देखिए जी, स्पीड देखिएगा सांप की, बहुत जानदार स्पीड, इंडियन रेड स्नेक। और देखिए दोस्तों, अटैक बहुत एग्रेसिव और बहुत अटैक। तो राम राम जी, नमस्कार, आदाब, जय हिंद। सबसे पहले आप सभी लोगों को एक बार फिर से जी बचाओ की टीम आप लोगों की खिदमत में, जैसा कि खिदमत ने और साथ ही में जीवों को बचाते हुए एक बार फिर से एक सांप को रेस्क्यू किया था। और रेस्क्यू करने के बाद लेकर के आए यहाँ पर, रेस्क्यू जो किया गया था, हमने रेस्क्यू किया था इसको, और वीडियो रेस्क्यू आप देख सकते हैं, पहले से चैनल पर पड़ी हुई है इसकी रेस्क्यू की। सही नगर से किया था, राजीव बिहार के पास पड़ता है, नहीं राजीव बिहार से किया था, जो सही नगर के पास पड़ता है, पीपल वाला मंदिर के पीछे, नारायण सिंह जी के यहाँ से रेस्क्यू किया था। तो इसको यहाँ रिलीज करने के लिए लाए हैं, कुछ जानकारी आपको देंगे। उससे पहले, इसको रिलीज करने से पहले, जानकारी देने के से पहले आपसे अपील करेंगे कि चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए दिखा दें साहब कौन सा है, चलिए दिखाइए साहब। तो साथियों, ये रहा जी सांप, ये देखिए बड़ा सांप है और जबरदस्त सांप है। देखिए दोस्तों, अटैकिंग बहुत एग्रेसिव और बहुत अटैकिंग सांप, वही देख के हो जाओगे खुश। सांप है बहुत चुस्त दुरुस्त। लो जी, पकड़ लिया। अरे वकील साहब शेर आदमी है, ऐसा ना आजकल घबराने लगे हैं, पर वकील साहब नहीं हो रहा थे, ध्यान पर पकड़ लें सांपों को हाथों में। ये देखो दोस्तों, तो दरअसल मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप सोचते होंगे वकील साहब कौन है, बार बार किसका नाम लिया जाता है। मैं आपको बता दूं, पुनीत भाई जिन्होंने सांप पकड़ा हुआ है, एक्चुअली क्या है, पेशे से एडवोकेट हैं, LLB लॉ की डिग्री इनके पास है, तो इनको प्यार से बड़े ही शहर में जाना जाता है, वकील साहब के नाम से जाना जाता है। अक्सर आप लोग सोचते होंगे कभी पुनीत भाई का वकील साहब, तो पुनीत भाई भी यही है और वकील साहब भी यही है। अगर अक्सर कभी वीडियो में निकल जाएगा मुझसे वकील साहब, समझ जाइए कि पुनीत भाई को ही कहा जा रहा है, प्यारा सा वर्ड। तो दोस्तों, इंडियन नाइट स्नेक पुनीत भाई के हाथ में लगा हुआ है। मैं कुछ जानकारी आपको इसके बारे में दे दूँ। ये सांप जो होता है, चूहा खाता है, ये किसान मित्र से बोला जाता है। 20% चूहों की आबादी को लगभग सफा कर देता है। और साथ ही में हमारे घरों के आसपास जंगलों में, खेतों में, जहाँ पर फसल वगैरह होती है, वहाँ अक्सर पाया जाता है। ये सांप बिल्कुल भी वेनेमस नहीं होता, मतलब जहरीला नहीं होता। इसको एक खिताब कहा जाता है कि नाक की तरह बिहेवियर करता है, मगर बहुत से लोग जहरीला समझ के मार देते हैं। तो इंडियन स्नेक को कभी ना मारे, क्योंकि ये सांप जहरीला नहीं होता, ये सर्प किसान मित्र सांप होता है। एक खूबी इसके बारे में बता दूं आपको दोस्तों, कि ये जो सांप होता है, अक्सर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा कोबरा, स्पेक्टिकल कोबरा की तरह बिहेवियर करता है, लोग देख करके नाग समझ लेते हैं, जिसकी भयपूर्ति स्थिति में इसको मार दिया जाता है। तो इसको देखकर नाग ना समझे, देखिए, क्योंकि आगे से जो इसकी स्थिति होती थी, बिल्कुल पतला ये होता है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये देखिए पतला सांप ये होता है, जायजा लेने की कोशिश कर रहा है मुँह खोल कर अपना। और इसकी हाइट की बात कर लूँ, 6 फुट 7 फुट तक आराम से हो जाता है। अभी तो ये एक प्रकार से एक बेबी कह सकते हैं हम इसे, जो कि बच्चा भी नहीं कह सकते, मतलब अपनी उम्र में, हाँ अपनी उम्र में बढ़ रहा है, 4 फुट के आसपास ये सांप होगा आराम से। तो पंडित भाई क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, कैसा महसूस कर रहे हैं पकड़ के? भैया, जो ऐसे घोड़ा पछाड़ या धावन कह देते हैं, वैसे ऐसे रेड स्नेक कहते हैं, चूहा बहुत खाता है। और ये जो है बहुत खतरनाक रहता है सांप देखने में, इसकी रफ्तार बहुत है तेज है चलने की। छोड़ते अभी रेस्क्यू करेंगे, जब आप देख रहे हैं इसकी रफ्तार कैसी होती है, तो ये भी जो है बहुत दहशत से मर जाता है आदमी से देख के, क्योंकि इसका चलने का तरीका और इसकी जो बनावट है ऊपर की देख के, इससे आदमी घबरा जाता है एकदम। ये चित्तीदार सा रहता है ऊपर से, और ये देखो तो तैयार है और मुंह पे अटैक करता जाए तभी। तो एहसान भाई, जैसा कि मैं आपसे जानना चाहूँगा, लोग बाबू की एक बहुत टाइम से भयावह स्थिति है, कि लोग आप पूछते हैं अक्सर उनके सांप को लेकर बहम है, कि इसकी पूछ में कांटा होता है, इसके मारने से ईंधन गलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए, ऐसा कुछ सच है या नहीं है? हाँ, वो ये जो बात है, जो दुनिया भर की हवा बनी हुई है, जो भी कुछ है, जो पहले पब्लिक बांधती चली आ रही होती, गलत है सारी कहानी। बाकी कुल मिला के ये है, इसमें हम आपको सामने कोई इसमें दोहरा नहीं कर रहे, ना दुबका रहे हम आपसे किसी से भी। वो जो भी सर हमारे सामने चीज़ आ रही है, हमारे दौरे की नहीं है, तुरंत पकड़ते हैं, खेतों में या जंगल पे से, या घर में से, या दुकानों पे से, या होटल पे से, जहाँ से पकड़ रहे हैं हम। इसका मैंने तुम्हें पहले खुलासा कर चुका हूँ इस सांप के बारे में, आदमी दहशत से मर जाता है, इसके अंदर इतना जहर नहीं होता जो आदमी मर जाओ इसका। दांतों का बात करें तो दांतों के लिए समझ लीजिएगा, क्योंकि कोई भी जानवर है, दांतों में इन्फेक्शन हर आदमी के अंदर होता है, हर जानवर के अंदर इन्फेक्शन होता है। चलिए, ये पकड़े नहीं तो इसके पूछ में कोई कांटा नहीं होता, नहीं, 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 होता है जी जी। और ये तुम्हें बड़े सांप के भी इसकी दामन का दिखा रखा है। एहसान भाई यही बता रहे हैं, पुनीत भाई के हाथ में सांप लगा हुआ है, दामन लोग बाबू की एक कह सकते हैं अंधविश्वास ये है कि इसकी पूछ में कांटा होता है। तो मैं चाहूंगा कांटा मार के दिखाओ जी अपने हाथ में, दिखा सकता हूँ, पूछ मार के दिखाओ, पकड़ लो ना, पकड़े रहे दोनों। ये देखिए,
ये देखिए दोस्तों, ये रही पूंछ इसकी, ना कोई इसमें कोई आगे कांटा है, कोई कांटा नहीं देख सकते आप नजदीक आके, अपने हाथ में मार के दिखाओ पूंछ जरा, ताकि लोगों का वहम दूर हो। दिखा रहा हूँ और फिर इसे हाथ में मार के दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये रहा खूब। और इसने फंदा भी घेर लेगी, ये बांधने की स्टाइल है इसका, देखो। अच्छा अच्छा, फंदे से याद आया, ये उन्होंने पकड़ लिया। तो जी एक बार लटक जाता है, एक बार बताइए मुझे आप, तकड़ा सांप होता है। जैसे कि लोग बाग ये भी बोलते हैं कि जी, हाँ जी हसन भाई, लोग बागों का ये भी एक अंधविश्वास है कि गाय का दूध पी आता है, हिरन का दूध पी आता है, या जो है उस वक्त खेत में होता है, तो ऐसा कुछ है फंदा बना के, इसका ही बताइए। वफा है, ये होता है, इसका फंदा पकड़ है, ये बजाय गाय भैंस के इंसान के पैर में दब जाए या उसको भाग के आ जाए तो उसकी टांग बांध लेगा, ये तो सीधी मतलब है। बाकी इतनी पकड़ भी नहीं, एक आदमी की हड्डी तोड़ दे या पतली तोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं है इसका। ये इससे दहशत से आदमी मर जाता है। और आप जितने भी हैं सब भाइयों के लिए मेरी हाथ जोड़ कर मानते, भाई सच्चाई बिल्कुल मान के चले कि दो राह नहीं समझे कि मैंने कई मरतबा तुम्हें इस बड़े सांप पे भी दिखा रखा, मैंने इसके दांत खोल के भी दिखा रखे हैं, उसमें कठुआ का भी दिखा रहा, मेरे हाथ में ब्रेड भी निकलता है, बार बार कठवाना अच्छा नहीं है। बाकी यकीन कर लें आप बिल्कुल दिल से, ये तुम्हें किसी को नहीं काटेगा, किसान मत्तू सांप होता है ये, मेंढक खाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ये था रेड स्नेक के बारे में बहुत सारी जानकारी जो कि पुनीत भाई से हमें सुनने के लिए मिली, हसन भाई से सुनने के लिए मिली, और अब इसको रिलीज करने का समय है। और यहाँ पर पुनीत भाई अपने जबरदस्त हाथों से इसको रिलीज कर देंगे यहाँ पर, तो रिलीज करा जाए। पुनीत भाई छोड़ दीजिए सांप को, देखिए जी स्पीड देखिएगा सांप की, बहुत जानदार स्पीड, इंडियन रेड स्नेक, और आप लोगों के सामने बहुत तेजी के साथ एकदम से विलुप्त होता हुआ इस जंगल के अंदर, तो वो चला गया दोस्तों, इंडियन रेड स्नेक। साथियों इंडियन रेड स्नेक को रिलीज कर दिया गया है, बस आपसे यही एक बार अपील फिर से, जीव बचाए, जीवन बचाए, पर्यावरण बचाए, और चैनल करते रहे सब्सक्राइब लाइक शेयर, शेयर लाइक करें, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो साथ में दीजिए प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट सांप के साथ या किसी नेक्स्ट प्रीडेटर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।